हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल की जो हमारी यूनिट हमने कल स्टार्ट की थी इकोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो, कल हमने जो लास्ट क्लास ली थी इकोलॉजी चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो पारिस्थितिकीय कारक होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो तीन चार लॉ दिए गए थे, एक तो था सहनशीलता का नियम, एक था लिबिक का न्यूनतमता का नियम, एक था ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। वो नियम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो नियम किससे रिलेटेड है। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो आपका आपका टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, देखो ये तो हमने कल बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैविक और अजैविक। सबसे पहले थे जैविक घटक, और नेक्स्ट थे दो नंबर पे अजैविक घटक, ठीक है। अब जैविक और अजैविक घटकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इन जैविक और अजैविक घटकों को भी आगे अनेक प्रकारों में बांटा गया है। वो प्रकार इनके कौन कौन से हैं और उनका काम क्या होता है, वो सभी घटक क्या काम करते हैं, और वो जो हमारा इकोसिस्टम है यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अपना जो योगदान देते हैं वो कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के में आने वाले सभी जीव जंतुओं या पादपों को जैविक घटक बोलते हैं, यानी कि जितने भी जैविक यानी बायोटिक चीजें हैं, जो कौन कौन सी होगी, जीव जंतु और पेड़ पौधे हो गए, जैविक घटक बोलते हैं उनको, ठीक है। अब इनको आगे कितने प्रकार में बांटा गया है, इनको आगे बांटा गया है टू टाइप्स में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो टू टाइप, वो टू टाइप है हमारे पास, देखो सबसे पहले तो है स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। जो जैविक घटक है उनको दो भागों में बांटा गया है, सबसे पहले तो है स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स, और सेकंड नंबर पे है विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको, विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स। ये तो आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि स्वपोषी कौन से होते हैं, ऐसे जीव जंतु या पौधे जो अपना भोजन होता है, जो अपना खुद का फूड होता है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं यानी कि खुद संश्लेषित करते हैं। ऐसे पौधे या जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे जीव जंतु या पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स। अब ये समपोषी और विषमपोषी को भी आगे अनेक प्रकार में डिवाइड किया गया है, वो इनके पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो, स्वपोषी तो एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब विषमपोषी को आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से टू पार्ट्स, एक तो है वृद्ध या ग्रुप उपभोक्ता, ग्रुप उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर, और ये है लघु उपभोक्ता। इन लघु उपभोक्ता को और क्या बोलते हैं, अपघटनकारी जीव, इनको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, जो किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं या फिर उनका उपयोग करते हैं। और अजैविक घटक के अंदर तो हमने कल पढ़ा था कौन कौन से थे, मृदा, वायु, जल, तापमान, यानी कि जो सारे के सारे भौतिक कारक हैं वो किसके अंदर आ रहे थे, अजैविक घटक के अंदर, स्थलाकृति आदि, ठीक है, ये सब किसके अंदर थे, ये सब थे अजैविक घटकों के अंदर।
अब हम जैविक तत्वों को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में, कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। अब देखो स्वपोषी की डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या होगी स्वपोषी की डेफिनेशन। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉप्स। अब क्या है इनकी डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन देखो इस प्रकार से है, पारिस्थितिकी तंत्र के यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र के वे सभी घटक जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा या रासायनिक संश्लेषण द्वारा, पहले ये डेफिनेशन लिख देते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे। रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपने लिए कार्बनिक भोजन का, कौन से भोजन का, कार्बनिक भोजन का, कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब देखो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन में इन्होंने ये बोला है कि जो पारिस्थितिक तंत्र के वो घटक जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं, वो सारे के सारे स्वपोषी कहलाते हैं। और देखो स्वपोषी सिर्फ वही पौधे होंगे जो प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके अपना खुद का भोजन तैयार करेंगे, क्योंकि एनिमल्स में अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है जिससे वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। देखो एनिमल्स में यानी कि जंतुओं में ऐसा नहीं होता, स्वपोषिता का या ऑटोट्रॉप्स का जो गुण होता है वो सिर्फ पादपों के अंदर या प्लांट्स के अंदर ही होता है। और कौन से प्लांट्स के अंदर होता है, उन प्लांट्स के अंदर होता है जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि हरित लवक के बिना जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया नहीं होती, और जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो तब तक वो पौधे स्वपोषी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है वो क्या है, वो है हरित लवक। तो जिन पौधों में हरित लवक पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, प्रकाश संश्लेषी पादप कहलाएंगे, और उनकी वजह से ही जो क्या है भोजन का निर्माण हो पाएगा, उन्हें हम स्वपोषी बोलेंगे। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास और आई है रासायनिक संश्लेषण। अब देखो प्रकाश संश्लेषण तो हो गया कि प्रकाश का यूज करके अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, और रासायनिक संश्लेषण का मतलब क्या होता है, रासायनिक संश्लेषण का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और रसायनों का प्रयोग करके जब पादप अपने लिए, पादप या जीव जंतु अपने लिए क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो रासायनिक संश्लेषण कहलाता है। अब देखो स्वपोषी पादपों को उपभोक्ता भी कहते हैं, सॉरी उत्पादक, क्या बोलते हैं इनको, उत्पादक, क्यों, ये क्या करते हैं, किसका उत्पादन करते हैं, ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, ये उत्पादन करते हैं भोजन का, और उस भोजन को कौन यूज में लेता है, उसको अन्य जीव जंतु यूज में लेते हैं जो कहलाते हैं उपभोक्ता, और ये स्वपोषी पादपों को उत्पादक या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कहते हैं जो किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक है। इनकी ये जो उत्पादन क्षमता होती है वो किस कारण होती है, वो होती है प्रकाश संश्लेषण के गुण के कारण, ठीक है। अब देखो एक ईजे कोरोमंडी नामक साइंटिस्ट थे, ईजे कोरोमंडी, इन्होंने क्या कहा, ईजे कोरोमंडी के अनुसार सभी स्वपोषी पादप परिवर्तक होते हैं, परिवर्तक यानी कि चेंजर, जो किसी भी चीज को चेंज कर देते हैं। तो अब इन्होंने जो स्वपोषी पादप है उनको परिवर्तक क्यों कहा, इसका कारण क्या था, देखो इसका कारण यह था कि परिवर्तक का मतलब है किसी भी चीज को एक रूप से
से दूसरे रूप में चेंज कर देना, ठीक है, वो कहलाते हैं परिवर्तक। तो अब ये स्वपोषी पादप होते हैं, ये सूर्य की विकिरण ऊर्जा को, जो विकिरणें आती है उनको प्रकाश के रूप में ग्रहण करके विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि रसायनों में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं। तो ये सूर्य की विकिरण ऊर्जा को, सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के कारण, परिवर्तित करने के कारण सभी स्वपोषी जीव या स्वपोषी पादप परिवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म कंप्लीट, जिसका नाम था स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र के वे घटक जो खुद अपना फूड का सिंथेसाइज करते हैं या निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण की सहायता से, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और स्वपोषी पादपों को उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और इजोकोरोमंडी ने इनको क्या बोला है? इजोकोरोमंडी ने इनको परिवर्तक बोला है। इनको परिवर्तक क्यों बोला गया है? क्योंकि सूर्य से प्राप्त, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को किसमें चेंज कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स। विषमपोषी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर पे विषमपोषी, या फिर इनको क्या बोलते हैं? या फिर इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स देखो क्या होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन कि पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सजीव यानी कि जो सांस लेते हैं, सजीव जो अपना कार्बनिक भोजन भोजन स्वयं नहीं निर्माण कर सकते, अपना कार्बनिक भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, स्वयं निर्माण नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के ऐसे प्राणी, ऐसे सजीव जो अपना भोजन खुद निर्माण या तैयार नहीं कर सकते, विषमपोषी कहलाते हैं। अब ये जो विषमपोषी होते हैं, तो फिर इनको क्या बोलते हैं? देखो ये जो विषमपोषी होते हैं, जो विषमपोषी होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं? ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादकों यानी कि स्वपोषी जीवों पर या स्वपोषी पादपों पर, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं? जिस कारण इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वो होता है जो किसी और द्वारा बनाई गई किसी भी चीज का क्या करता है? उपभोग करता है, यानी कि यूज करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। तो जो ये विषमपोषी होते हैं, ये किसका उपभोग या यूज करते हैं? ये उत्पादकों का उपभोग या यूज करते हैं। तो जिस कारण इन्हें क्या बोलते हैं? उपभोक्ता या कंज्यूमर। ठीक है, हो गया। इसके बाद है देखो कंज्यूमर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है
कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कितने पार्ट में? विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो दो भाग? सबसे पहला तो है वृद्ध उपभोक्ता या गुरु उपभोक्ता, वृद्ध या गुरु उपभोक्ता, जो अधिक स्तर पर क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रो कंज्यूमर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है लघु उपभोक्ता, या फिर इनको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर या फिर डीकंपोजर। अब ये डीकंपोजर वर्ड का मतलब या आपको घटनकारी का मतलब क्या है वो देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेते हैं वृद्ध या गुरु उपभोक्ता। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम पार्ट ए वृद्ध या गुरु उपभोक्ता। देखो क्या होते हैं वृद्ध या गुरु उपभोक्ता? ऐसे उपभोक्ता या ऐसे विषमपोषी जीव जो अपने भोजन के लिए किन पे निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर या स्वपोषी पादपों पर या हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों प्रकार के होते हैं, क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं या फिर वृद्ध उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब ये वृद्ध उपभोक्ता क्या करते हैं? वृद्ध उपभोक्ता तीनों के तीनों प्रकार की चीज का यूज करते हैं। किस किस का ये यूज करते हैं? अपने शाकाहारी जीवों का, मांसाहारी जीवों का और सर्वाहारी जीवों का, तीनों को ये क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में खाते हैं और उनसे क्या करते हैं, एलर्जी प्राप्त करते हैं। इनको भी आगे तीन पार्ट्स में बांटा गया है, कौन कौन से देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, द्वितीयक होते हैं मांसाहारी और तृतीयक होते हैं सर्वाहारी। अब शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता से क्या मतलब है? शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है कि ऐसे उपभोक्ता या ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट किस पे निर्भर करते हैं, हरे पादपों पे निर्भर करते हैं, यानी कि जो अपने भोजन के रूप में सिर्फ हरे पादपों को या घास वगैरह को खाते हैं, मांस को नहीं खाते, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? ये होते हैं शाकाहारी, ये सिर्फ शाकाहारी पेड़ पौधों फलों सब्जियों का उपयोग ही अपने भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, घास वगैरह का। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल है हमारे पास गायें। गाय मांस खाती है क्या? नहीं खाती, इसलिए वो कौन सी है, प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, खरगोश, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सारे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो सीधा का सीधा घास या हरे पादपों पर निर्भर करते हैं, जो मांस को हाथ भी नहीं लगाते, उसको खाते नहीं है। उसके बाद है द्वितीयक उपभोक्ता। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये शाकाहारी जंतु या प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है,
इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल है कुत्ता, डॉगी। ठीक है, डॉगी होता है वो क्या करता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। इसके अलावा इसके एग्जांपल है मेंढक, लोमड़ी, चीता, बिल्ली या जो कुछ भी होते हैं। देख लो यहाँ पे चीता, मेंढक, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं द्वितीयक उपभोक्ता के। द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, शाकाहारी जंतु या प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ गया है तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो शाकाहारी में मांसाहारी होते हैं, शाकाहार भी खाते हैं मांसाहार भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। ये जो जंतु होते हैं ये उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं, यानी कि ये सारे प्रकार का मांस क्या है, अपने भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे जंतु जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं का, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है जो मनुष्य होता है, यानी कि जो हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या है, सर्वाहारी है, क्योंकि हम शाकाहार भी खाते हैं मांसाहार भी खाते हैं। मनुष्य हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब सर्वाहारी होते हैं, जो सारे प्रकार का भोजन खाते हैं। तो ये हो गया हमारे वृद्ध गुरु उपभोक्ता के पार्ट्स, जिनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, पार्ट बी पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता या अपघटनकारी जीव, अभी अपघटनकारी जीवों को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स, जो किसी भी चीज को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, यानी कि अपघटित करते हैं, या उनको बड़े जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उनको छोटे कार्बनिक पदार्थों में चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये अपघटक, ये जो अपघटक होते हैं या लघु उपभोक्ता होते हैं, देखो यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक या सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अपघटनकारी जीव या जो लघु उपभोक्ता होते हैं, ये इनमें कौन आता है, इनमें सारे के सारे सूक्ष्म जीव, कवक और ये सब एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ये सब आते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज हो गया, जो भी सारे के सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थों के रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये वापस कहाँ चले जाते हैं, वायुमंडल में चले जाते हैं, और फिर इनको जो हरे पादप होते हैं वो वापस में किसमें चेंज कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, अब ये जो लघु उपभोक्ता है या सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके अंतर्गत सूक्ष्म जीव कवक, जीवाणु, आदि आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, लघु उपभोक्ताओं में आते हैं, और इनका काम क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना।
इन सूक्ष्म जीवों को या इन लघु उपभोक्ता को, और क्या बोलते हैं, इन लघु उपभोक्ता को रूपांतरक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूपांतरक। रूपांतरक मतलब जो एक चीज को दूसरे रूप में, एक रूप को दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं। इन्होंने सरल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंज किया। किसको चेंज किया? जटिल कार्बनिक पदार्थों को रूपांतरक भी कहते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो पदार्थ थे वो थे अकार्बनिक पदार्थ। वो तो हमने कल देख ही ली थे कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो तो जलवायु कारक होते हैं। जलवायु कारक जैसे कि मौसम हो गया, तापमान हो गया, जैसे कि आर्द्रता होगी, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सब तो कौन से हो गए? जलवायु कारक हो गए। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटकों के अंदर। और उसके बाद हो गया अकार्बनिक पदार्थ हो गए। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, यूरिया, ये सब आ गए कार्बनिक पदार्थों में। ठीक है, और जलवायु कारक में तो आपको पता ही है कि वायु, प्रकाश, वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि के आदि जो सब फिजिकल कारक होते हैं वो आते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अब यहाँ तक हमने पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक है वो कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट है, अब हमारी जो हेडिंग है वो है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ये कार्य करता है कैसे है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, और वो कार्य होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं, उन सबके बारे में आप किसके अंदर पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के। पारिस्थितिकी तंत्र के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो है ऊर्जा का प्रवाह। कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर करना, और दूसरा इसका काम होता है खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। अभी चक्रीकरण क्या होता है, होता कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। खनिज पदार्थों का चक्रीकरण, दो टॉपिक है हमारे पास, ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। ठीक है, अब इन दोनों को समझने के लिए हमें इसको चार स्टेप में से पढ़ना होगा। चार चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी होगी। वो चार चीजें कौन सी है? सबसे पहले हमें देखना होगा कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य श्रृंखला है खाद्य जाल, यानी कि फूड चेन या फूड वेब। नेक्स्ट स्टेप है हमारा खाद्य श्रृंखला के बाद पारिस्थितिकी स्तूप। पारिस्थितिकी स्तूप या इनको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, उसके बाद है ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो, और लास्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेप खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। चक्रीकरण यानी कि साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इन चीजों को हमने पढ़ना है इसके अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के अंदर। तो इसके बारे में तुम्हें बेसिक बेसिक बता देती हूँ और फिर ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। देखो, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल क्या होता है? कि सबसे पहले जो हरे पादप होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सूर्य की जो प्रकाश होता है उनसे उसको विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं और कार्बनिक पदार्थों का भोजन के रूप में निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो वो कार्बनिक पदार्थ इन्होंने ये अपना भोजन का जो निर्माण किया है उस भोजन को ये क्या करेंगे, उस भोजन को अब जो प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, या जो विषम पोषी स्तर का जो प्राथमिक कड़ी है यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है वो उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, और प्राथमिक उपभोक्ता को
द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट में बचता है उसको जो अपघटनकारी जीव या लघु उपभोक्ता होते हैं वो डीकम्पोज या अपघटन उसका कर देते हैं, यानी कि वो कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में या सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाती है, इस प्रकार से एक चेन या एक श्रृंखला बन जाती है, उसी श्रृंखला या चेन को क्या बोलते हैं, उसी श्रृंखला या चेन को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें एक तरफ का एक तरह का जाल बना हुआ है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को या एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाता है और अपनी एनर्जी वो आगे से आगे फ्लो करता रहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। इसका पर स्टेप यानी कि जो उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, इन सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली रूप से क्या बोलते हैं, पोषण स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। ये होगी हमारी खाद्य श्रृंखला। उसके बाद है पारिस्थितिक स्तूप। पारिस्थितिक स्तूप क्या होते हैं, पारिस्थितिक स्तूप है वो जैव भार जैव संख्या उनके आधार पे बनते हैं, यानी कि डायग्रामेटिकली उनका जो क्या है, हम उनको बनाते हैं डायग्राम से शो करते हैं, वो चीजें उनकी क्या कहलाती है, पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाती है। उसके बाद है ऊर्जा प्रवाह या फिर एनर्जी फ्लो। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसके अंदर होती है, वो हरे प्लांट्स हरे पौधों के अंदर होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके अवशोषित करते हैं, क्योंकि वो सन से अपनी जो है भोजन बनाते हैं और सन की सारी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में कुछ मात्रा में वो एनर्जी जाती है, फिर कुछ मात्रा में द्वितीय उपभोक्ता में जाती है और कुछ मात्रा में तृतीय उपभोक्ता में जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव प्राथमिक स्तर से लास्ट के स्तर तक होता रहता है। ठीक है, उसके बाद है खनिज पदार्थों का चक्रीकरण, यानी कि जो कार्बन नाइट्रोजन ये सब पदार्थ हो गए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनवायरनमेंट से पौधे लेते हैं, पौधों से जीव लेते हैं, जीवों से ये फिर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। इस प्रकार से जो क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं या जो खाद्य खनिज होते हैं उनका क्या होता रहता है, चक्रीकरण होता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है, इसको बोलते हैं खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। अब ये चारों के चारों पार्ट हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।